तारीख थी 4 जून 1947, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत की तकदीर और लकीरें दोनों बदल दी। ये थी गुलाम भारत की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको एड्रेस कर रहे थे भारत के आखिरी वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। इस इवेंट पर पूरी दुनिया से आए करीब 300 पत्रकार मौजूद थे। सवालों की बौछारें हो रही थी, पर फिर माउंटबेटन के सामने एक ऐसा सवाल आया जिससे कॉन्फ्रेंस हॉल में सन्नाटा छा गया। आखिर ऐसा हुआ क्या था, आइए जानते हैं। करीब 200 सालों तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर राज किया और अब समय आ गया था भारत की आजादी का। 3 जून 1947 को पास हुआ माउंटबेटन प्लान। इस प्लान के मुताबिक अब सत्ता की डोर ब्रिटिश सरकार से निकलकर भारतीय हाथों के पास आनी थी। माउंटबेटन ने कई बिंदुओं के जरिए इसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन और बाकी सारी पॉलिसीज के बारे में लिखा था। एक रात पहले यानी 2 जून 1947 को माउंटबेटन ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख समुदाय के नेताओं के साथ मुलाकात की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद जिन्ना भी मौजूद थे। माउंटबेटन प्लान के सारे पॉइंट्स पर सबकी सहमति ली गई। अब बारी थी इस पूरी योजना को देश और दुनिया के सामने लाने की। किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि माउंटबेटन ने 4 जून 1947 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारे आए हुए पत्रकारों को अपनी योजना के बारे में बताने लगे। सब लोग एकदम ध्यान से वॉइसरॉय की बातें सुन रहे थे। फिर अचानक एक पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछा कि पूरी तरीके से भारत को सत्ता कब सौंपी जाएगी, क्या कोई तारीख तय की गई है। अब इस बात का जवाब माउंटबेटन के पास फिलहाल नहीं था, क्योंकि इस तारीख पर उन्होंने अभी तक सोचा ही नहीं था और ना किसी से डिस्कस किया था। इस सवाल के बाद हॉल में कुछ वक्त के लिए शांति बनी रही, क्योंकि माउंटबेटन इस सवाल के जवाब को सोच रहे थे। और तभी उनके दिमाग में उनके जीवन की सबसे गौरवशाली जीत का ख्याल आया। बात थी 15 अगस्त 1945 की, जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने ब्रिटेन के आगे घुटने टेक दिए थे। इस दिन को विक्ट्री ओवर जापान डे भी कहा जाता है। तो बस अब इस जीत की सेकेंड एनिवर्सरी आ रही थी, तो माउंटबेटन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ऐलान कर दिया कि भारतीय हाथों में सत्ता 15 अगस्त 1947 को पूरी तरीके से सौंप दी जाएगी। इस घोषणा के बाद मानो दुनिया भर में विस्फोट हो गया। इस तारीख और फैसले को किसी ने आते हुए नहीं देखा था, ना किसी को कोई अंदाजा था, क्योंकि ये माउंटबेटन का कुछ मिनटों में एक सवाल के उत्तर में लिया हुआ फैसला था। और फिर क्या था, वो दिन आया जिस दिन 14 और 15 अगस्त की रात को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और दोनों आज़ाद देशों का इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें बताइए। मैं हूँ आपके साथ रिमझिम जेठानी, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए किस्से के साथ।